हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस वेरी ब्राइट एंड रिजल्ट इंश्योरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ साइंस वर्ल्ड एंड श्री साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, हम लोग इस समय एलगी कॉन्सेप्चुअल एलगी की हम बात आपसे कर रहे हैं। हमने स्ट्रेटजी आपको यही बताया था कि जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि पहले सब्जेक्ट को समझा जाए और उसके बाद से याद करने वाली बातें हैं वो याद कर ली जाए बाद में। इसी के तहत हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एलगी में जो होता है फ्लैजिलेशन कैसे होता है और बातें बताया था बेसिक। आज अब अपना टॉपिक है पिगमेंट सिस्टम इन एलगी। इसको देखा जाएगा और उन स्ट्रक्चर को देखा जाएगा जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे जब आप पढ़ रहे होंगे फोटोसिंथेसिस, तो वहां पर भी ये सारी बातें आपने पढ़ा होगा। वहां पे आपने देखा होगा हायर प्लांट्स में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारी बात आप देखे होंगे। थोड़ा हम भी बात आपसे आज करेंगे उस तरह की। एक बात समझें आप लोग, एल्गी के बारे में आप जानते हैं कि एल्गी, हमने आपसे बताया था कि अगर साइनोफाइसिक कोई अगर एल्गी में ही है, एल्गी में शामिल कर लेते हैं, तो शायद ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है जहां पर एल्गी ना पाया जाए, जहां पर आप लाइफ के बारे में सोच सकते हैं और वहां एलगी ना पाया जाए। तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट पे आप जानते हैं एलगी पाई जाती है। अब आप ये बताइए, अब आपसे कहूं मैं कि जब आप कह देंगे एलगी आपकी टेरेस्ट्रियल भी है, आप हालांकि आप कहते हैं मेनली एक्वेटिक होती है, फिर हम टेरेस्ट्रियल शुरुआत कर दिए, टेरेस्ट्रियल भी है, कहते हैं मेनली एक्वेटिक है। ऐसे आप जानते हैं कि एपिफिटिक भी एल्गी है, प्लांट के ऊपर भी पाई जाती है। आप कहते हैं सिम्बायोटिक भी होती है, सब जानते हैं आप लोग, सिम्बायोटिक भी है। आप कहते हैं एंडोजोइक भी है, एनिमल बॉडी के अंदर पाई जाती है, एंडोफिटिक भी है, प्लांट बॉडी के अंदर ही पाई जाती है। यहां तक कहते हैं पैरासिटिक भी है। मतलब मैं खाली आप ये दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाई जा रही है। आप कह रहे हैं स्नो में भी पाई जाती है, बर्फ में भी होती है, ये कहते हैं डिफरेंट टाइप का कलर इंपार्ट करती है स्नो को। ऐसे हम लोग कहते हैं कि यहां पर जैसे आपने एक्वेटिक अगर कहा, एक्वेटिक में आप कहते हैं कि यहां पर फ्रेश वाटर, फिर आप कहते हैं मैराइन भी है। मतलब कि जितने भी पॉसिबल हैबिटेट हो सकते हैं, फ्री फॉर्म में भी होती है, सिम्बायोटिक भी होती है, एपिफिटिक भी होती है, एंडोजोइक भी होती है, एंडोफिटिक भी होती है, पैरासिटिक भी होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती है, आप जानते हैं, ऐसे आप जानते हैं वहां पर फ्री फॉर्म में भी है, एक्वेटिक भी है, दोनों तरह के वाटर में है, मेराइन में भी है, फिर मतलब सारे पॉसिबल हैबिटेट आप बता डालिए। ऐसे कहते हैं वाटर की डिफरेंट डेप्थ में पाई जाती है, सी सरफेस पर भी होती है, यानी वाटर बॉडी के सरफेस पर भी होती है और काफी गहराई में भी होती है। तो अब बताइए, जब इतना ढेर सारा वर्सन हम कर रहे हैं कि जहां मन करे वहां बोलिए वहां एलगी है, किसी न किसी फार्म वहां पर एलगी है, ठीक है ना। तो अब बताइए, जब हर जगह एलगी है, इतने डाइवर्स हैबिटेट्स में एलगी पाई जाती है, तो अब हमको जरा आप ये बताइए कि क्या हर जगह यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन होगा? क्या हर जगह एक ही जैसा सूर्य का प्रकाश मिलता होगा? क्या हर जगह एक ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती होगी? क्या हर जगह एक ही कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट वेव्स होता होगा? नहीं। जब इतना वैरायटी ऑफ हैबिटेट में है, करे पोलर रीजन में भी है, खूब जहां ठंड पड़ रही है, एकदम बहुत हॉट एरिया में ही पाई जा सकती है, फ्रीज डाइस में भी हो सकती है, तो जब इतने वैरायटी ऑफ हैबिटेट में एलगी पाई जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि भाई हर जगह आप जानते हैं कि एलगी कैसी है, तो आप जानते हैं कि ये इसमें पिगमेंट्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होती है। तो बताइए ऑटोट्रॉफिक है, पिगमेंट सिस्टम यहाँ पर होते हैं, अपना भोजन खुद बनाती है, इसका मतलब कि लाइट को हार्वेस्ट करती होगी, और जब लाइट को हार्वेस्ट करती है तो आप कह रहे हैं इतना ज्यादा वेरिएशन है, हर जगह पे एल्गी है, इसका मतलब कि उसके पास जो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का सिस्टम है, जो लाइट को कैप्चर करने का सिस्टम है, वो ऐसा होना चाहिए कि चाहे किसी भी किस्म की लाइट आए, जिस किसी वेवलेंथ रेंज की लाइट आए, जिस किसी कलर वाली लाइट आए,
जिस किसी भी लाइट किसी भी इंटेंसिटी की लाइट आए, ईच एंड एवरी वेवलेंथ, ईच एंड एवरी कलर, ईच एंड एवरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ये ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी वाली होनी चाहिए। यही बात हुई ना। जैसे आप कह रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग अपने बारे में सोचें, आप पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज करिए कोई ऐसी जगह हो जहां पता चला कि वहां पे वेज खाना मिलता ही नहीं है, खाली नॉन वेज का अवेलेबिलिटी है, वहां पर आपको एक महीना रहना पड़ेगा, तो अगर प्योर वेजिटेरियन आदमी हो क्या वहां पर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसका मतलब यह है अगर आप स्ट्रिक्ट रूल बना लें कि मैं प्योर वेज हूं चाहे मैं प्योर नॉन वेज हूं, तो उस कंडीशन में पूरे दुनिया में आप बहुत बहुत कंफर्टेबली आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। लेकिन पता चला कि आप तो भैया सब कुछ खाते हो, आप वेज भी खाते हैं, आप नॉन वेज भी खाते हैं, आप मतलब सब कुछ खाते हैं, कोई रोक नहीं है आपके लिए, तो उस कंडीशन में चाहे जहां मंगकर वहां को ले जाया जाए। यही बात हुई ना। जब हम सब कुछ खा सकते हैं, कोई हमारा हमारी कोई परहेज है ही नहीं है, हमको सब कुछ सूट करता है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में चाहे नॉन वेज वाली एरिया हो, चाहे वेज वाली एरिया हो, चाहे वहां पर अंडे खाने वाली एरिया हो, अब तो दुनिया भर के आप जानते हैं आजकल वैरायटी आ गई है लोगों की, तो हम कहीं भी ग्रो मतलब रह सकते हैं। तो यही बात है कि अगर आपको ऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी हो कि हम कंफर्टेबली हम कहीं भी रह सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको हमारा जो रेंज ऑफ जो फूड हैबिट है वो हमारा बहुत ब्रॉड होना चाहिए, मतलब हम सब कुछ खा सकते हैं, किसी से परहेज नहीं है। वही बात कर रहे हैं, सोचिए कि जब एल्गी को लगभग सारे के सारे क्लाइमेट में रहना है, सारे के सारे इन्वायरमेंट में रहना है, और हर जगह पे क्या एक ही जैसा लाइट मिलेगा? क्या हर जगह लाइट की एक ही इंटेंसिटी होगी? क्या हर जगह लाइट का एक ही वेवलेंथ होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एल्गी को इतने वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में ग्रो करना है, इतने वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, तो इसका मतलब उसके पास ढेर सारे पिगमेंट होने चाहिए, जो लगभग सारे के सारे पॉसिबल रेंज ऑफ जो लाइट हैं, जितने भी हमारा जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है सॉरी उसमें हर स्पेक्ट्रम को क्या करें, यूटिलाइज कर सके। और वास्तव में यही एल्गी में होता है, और इसीलिए कि क्या करना है कि कहीं भी हम ग्रो करें, किसी भी वेवलेंथ की लाइट आए, किसी भी कलर की लाइट आए, किसी भी इंटेंसिटी की लाइट आए, सबको यूटिलाइज करने की क्षमता एल्गी के अंदर होती है, और इसीलिए एल्गी इतने वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाई जाती है। और इसके लिए आप जानते हैं इसके जो पिगमेंट्स होते हैं, आप जानते हैं तो इसके जो पिगमेंट होते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसके जो पिगमेंट्स हैं आप जानते हैं जो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब देखिए, अब आपने पढ़ा है फोटो, अपना फोटोसेंस पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा तो आप जानते हैं उसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है ना, उसमें आप जानते हैं एक रिएक्शन सेंटर होता है RC, ये हो गया आपका रिएक्शन सेंटर। और इस रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसको लाइट एब्जॉर्ब करने के लाइट एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रोटेक्शन भी देना है, और जिस लाइट वेव को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा उसको एब्जॉर्ब करके इस तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे और पिगमेंट सिस्टम, उसको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो आपका एक रिएक्शन सेंटर आपका ये हो गया, और ढेर सारे और यहाँ पे आप जानते हैं इसको एंटेनी वगैरह किस नाम से आप लोग जानते हैं, तो इसके सराउंडिंग में और ढेर सारे पिगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये पिगमेंट करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा है अपना फोटोसिंथेसिस, तो करते क्या है, तो करते हैं कि जो रिएक्शन सेंटर होता है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन सेंटर असल में आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। अगर आपको बातें याद हो तो थोड़ा देखिए मैं बोल रहा हूँ, जरा इसको कोरिलेट करिए, अगर आपको बातें याद हो तो ये क्या होता है, एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है ना। आपने दो रिएक्शन सेंटर आपने पढ़ा होगा, किसमें, अपने फोटोसिंथेसिस में, वहां पर आपने एक पढ़ा होगा फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर और एक पढ़ा है फोटोसिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर, आपको याद होगा। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शन सेंटर, मैं थोड़ा अलग से लिख लूं कि अगर हमारा रिएक्शन सेंटर अगर मान ली फर्स्ट है अगर, ठीक, तो वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, ये आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जो स्पेशली आपने पढ़ा होगा कि 6 जो होता है, सॉरी 700, वो 700 नैनोमीटर की वेव को एब्जॉर्ब करता है। जरा सोचिए,
ऐसे आपने पढ़ा होगा कि इसी प्रकार से फोटो सिस्टम सेकेंड का भी अपना रिएक्शन सेंटर होता है। मानिए मैंने उसको लिख दिया, मैंने उसको, देखिए थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट फोकस कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम लोगों को टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एस्टेब्लिश करना है, ले जाना है। तो हाँ देखिए, मानिए मैं कहूँ कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड आपका हो गया, तो यहाँ पर भी जो होता है वास्तव में ये भी एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही होता है, ये भी क्लोरोफिल है, लेकिन क्या करता है ये जो होता है 680 नैनोमीटर की वेव को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए रिएक्शन सेंटर क्या होता है, अगर आपको याद हो कि जहां से इलेक्ट्रॉन इमर्ज होते हैं, जहां से आपने याद करिए, आपने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा, अब उसके डिटेल हम नहीं जाना चाहते, हम खाली बेसिक बात यहां पर कर ले रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे फोटोस में सारी बात हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए क्या होता है, असल में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। जब लाइट उसको, जब सफिशियंट लाइट उसको मिलती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक। और जहां से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो निकले उसी को रिएक्शन सेंटर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रिएक्शन सेंटर आपका होता है। अब इसमें क्या होता है, आप वहां पर पढ़िएगा, तो दो प्रकार के फोटो सिस्टम आप जानते होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड का आपने क्राइटेरिया पढ़ा होगा कि जिसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट लोगों ने पहले कर दिया उसे कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जिसकी डिस्कवरी हुई थी बाद में उसे कहते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। याद रखिएगा फर्स्ट और सेकेंड कहने क्राइटेरिया क्या है कि जिसकी डिस्कवरी पहले हुई थी उसको कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जिसकी डिस्कवरी हुई थी बाद में वो कहलाता है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो मैंने कहा आपसे कि फोटो सिस्टम में क्या होता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है, वो क्या करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है, यहाँ पर जहां से इलेक्ट्रॉन आपका पहले निकल के जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, उसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर क्या हो, ध्यान दीजिएगा, तो चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर हो और चाहे फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर हो, ये दोनों ही वास्तव में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं। इसको रट लीजिए आप लोग, रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप अपने को लीजिए, आप मान लीजिए कह रहे हैं हम, मान लीजिए आपके कुल में आगे ऐसे व्यक्ति आप हैं जो बहुत तरह तरह के लोगों से आपका संपर्क है, तो सपोज करिए कि आप हैं और आप ऐसे पर्सन हैं जहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ पर्सन से आपका कांटेक्ट है, आपकी फ्रेंडशिप है, आप मिलजुल है। मान लीजिए आप अपने को एक ऐसी जगह पे सोचिए जहां पे सब पढ़े लिखे लोग उस समय आपके साथ हैं, सब पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड पर्सन के बीच आप बैठे हुए हैं, एक कंडीशन आपकी वो बनी, और एक कंडीशन वो बनी कि आप मान लीजिए कम पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके कॉन्टेक्ट में आप उस समय बैठे हुए हैं, दोनों कंडीशन में आप ही हैं, तो एक बार आप हाईली क्वालिफाइड डिग्निफाइड पर्सन के साथ आपका कम्बिनेशन बना हुआ है, और एक बार आप जो है बहुत कम पढ़े लिखे सामान्य लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या दोनों कंडीशन में आपका जो बिहेवियर होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिविंग बींग हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट भी करते हैं और अपने इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते भी हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर हम जहां पे बैठे होंगे, अगर हमारे परिचित के सब हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली डिग्निफाइड हैं, तो वहां पर हमारा बातचीत, हमारा भाषा, हमारी बोली, हमारा सोचने का तरीका सब बदल जाएगा, हमारा व्यवहार बदल जाएगा। और अगर बिल्कुल हम ले मैन के बीच बैठे हुए हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, सामान्य लोग बैठे हैं, गवई देहात के लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी क्या वैसे ऊंची हाई फाई बात करेंगे? अरे भाई, अगर आप अनपढ़ गंवार लोगों के बीच में पहुंच गए और वहां भी लगे हाई फाई एमएससी वाली बात करने, तो क्या आपके साथ वो लोग बैठेंगे? क्या आपके साथ कम्युनिकेशन का बनेगा? नहीं बनेगा। तो सक्सेसफुल कौन होगा कि जब हम पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठे हैं तो हम उनके इन्वायरमेंट की बात करेंगे, उनके जैसे बात करेंगे, उनके लेवल की बात करेंगे, लेकिन जब कभी हमको एक सामान्य लोगों के बीच बैठने का मौका मिलेगा तो अपने आप को हम बदल देंगे, हम उनके हिसाब से बातचीत करेंगे, उनके जैसा व्यवहार करेंगे। तो याद रखिए, हैं दोनों क्लोरोफिल ए, ये भी क्लोरोफिल ए है और ये भी क्लोरोफिल ए ही है, तो अंतर कैसे आ गया भाई? यहाँ कह रहे हैं 600 नैनोमीटर की वेव एब्जॉर्ब करता है और यहाँ एब्जॉर्ब करता है 680 का। तो असल में क्या होता है कि इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में दूसरे प्रॉपर्टी, दूसरे तरह के पिगमेंट्स हैं, इनके आसपास दूसरे लोग बैठे हुए हैं और इनके अगल बगल दूसरे डाक लोग बैठे हुए हैं, यानी कि जो उनके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, जो उनको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, वो अलग टाइप के हो गए। तो वही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ए भी है
वही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यही है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो हैं, जो उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, जो उसके हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं, जो इसके हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसीलिए इनका लाइट वेव एब्जॉर्प्शन का जो वेवलेंथ होता है, रेंज होता है, वो बदल जाता है। यहाँ एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेव को, और यहाँ एब्जॉर्ब करता है 6800 नैनोमीटर की वेव को, ठीक है ना। तो थोड़ा याद रखिएगा, सारी बात आप लोग जानते भी हैं, और अगर थोड़ा बहुत कहीं कमी पड़ेगा तो जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, वहां पे बातों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि वहां पे दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, उसका रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेव को, और एक होता है रिएक्शन सेंटर सेकंड, जो होता है फोटोसिंथेसिस सेकंड का, वो एब्जॉर्ब करता है 680 की वेव को, ठीक है ना। अब देखिए, अब जरा आप ये बताइए कि क्या इनको हमेशा 700 नैनोमीटर की लाइट वेव मिलेगी, या इनको 680 का मिलेगा? कोई जरूरी नहीं है भाई, क्या पता नहीं वो है कि नहीं उस एनवायरमेंट में, या बहुत होता बहुत थोड़ा बहुत हो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इनके ढेर सारे हेल्पिंग हैंड, मान लीजिए हम इसी की बात यहां पे कर रहे हैं, इनके ढेर सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं, इनके इनको हेल्प देने के लिए ढेर सारे पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। और वो भी जब बात हो रही है एल्गी की, जिसको कह रहे हैं कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाई जाती है, वाटर में भी है, लैंड पर भी है, पैरासिटिक भी है, वाटर में आप कह रहे हैं एक्वेटिक है तो मेराइन भी है, उसमें कह रहे हैं फ्रेश वाटर भी है, आइस में भी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप के हाई साल्ट कंसेंट्रेशन एरिया में ही पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है। एपीफाइट है, इंडोफिटिक भी है, इपीजोइक भी है, एंडोजोइक भी है, सिम्बियाटिक भी है, सब कुछ है, मतलब जो बोल दिए सब सही, हर जगह है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसमें वैरायटी ऑफ ढेर सारे प्रकार के पिगमेंट होने चाहिए, कि चाहे जैसी भी लाइट मिल जाए, जिस कलर की भी लाइट मिल जाए, जिस किसी भी इंटेंसिटी की लाइट मिल जाए, जिस किसी वेवलेंथ की लाइट मिल जाए, उसको जरूर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और एल्गी अगर इस क्वालिटी या इस प्रॉपर्टी वाली होगी, तभी तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट में ग्रो करेगी, नहीं तो कहां से ग्रो कर पाएगी भाई। यही बात याद रखिए, मैंने एग्जांपल जो दिया था कि अगर आपकी फूड हैबिट ऐसी है कि चाहे जहां भी कहा जाए, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, कुछ भी हो, कहीं कुछ भी आप खा सकते हैं, आपका रेंज आप जो फीडिंग है बहुत ज्यादा है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी कोने में आप जाके रह सकते हैं, भाई जो मिलेगा हम सब भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, तो फिर हम जहां जहां ग्रो कर सकते हैं यहां भी रह सकते हैं। वही हाल एल्गी का होता है, याद रखिएगा। एल्गी कोई पूछे आपसे कि एल्गी इतने डाइवर्स नेचर के हैबिटेट में कैसे ग्रो कर जाती है, कैसे पाई जाती है, भाई वाटर के सरफेस पर भी होती है, वाटर के डेप्थ में भी होती है, फ्रीज्ड आइस में भी होती है, आप जानते हैं, एपीफाइट भी है, एंडोफाइट भी है, एपीजोइक भी है, एंडोजोइक भी है, पैरासिटिक भी है, टेस्टियल भी है, एक्वेटिक भी है, हर जगह है। तो क्यों ऐसा हो जाता है, तो आप जानते हैं दो चीजें उसको इसके लिए एलिजिबल बनाती हैं। एक आप जानते हैं उसकी नेचर ऑफ सेल वॉल, आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल भी होती है और यूकैरियोटिक सेल भी होती है, मेसोकैरियोटिक सेल भी होती है। एक तो जो नेचर ऑफ जो सेल वॉल होती है वो उसको वैरायटी ऑफ हैबिटेट में ग्रो करने लायक बनाती है, सर्वाइव कराती है। और दूसरी बात क्या होती है कि इसके पास इतने वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स हैं, भाई 5-6 तरह के खाली क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, सी में दो तरह का होता है, क्लोरोफिल C1, क्लोरोफिल C2, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, और एक तो लेटेस्ट में एक क्लोरोफिल एफ की भी बात हो रही है। तब बताइए, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एफ, 6 हो गया, और सी के 2 पैर प्रकार होते हैं, 7 प्रकार का हो गया। तो पुरानी बुक्स में लिखा है कितना प्रकार का, 5 प्रकार का लिखा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। अब मैं क्या, मैं 7 प्रकार बोल रहा हूँ, कहां से बोल रहा हूँ, सी के 2 टाइप देखे गए हैं, C1 और C2, और एक एफ टाइप का भी क्लोरोफिल रिपोर्टेड है। इसका मतलब 7 प्रकार का तो खाली क्लोरोफिल होता है। उसके बाद आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के वहां पे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन होते हैं, जेंथोफिल होते हैं, और स्पेशली आप जानते हैं जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो तो खाली एल्गी में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इतने टाइप के वहां पर जो होते हैं पिगमेंट पाए जाते हैं कि चाहे जिस किसी भी एनवायरमेंट में एल्गी ग्रो करे, एक्वेटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, फ्रेश वाटर हो, मेराइन हो, जैसा भी हो, सरफेस पर हो, डेप्थ में हो, कहीं भी ग्रो करे, चाहे किसी इंटेंसिटी की लाइट आए, चाहे किसी भी वेवलेंथ की लाइट आए, किसी भी कलर की लाइट आए, कुछ भी आए, तो उसके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इस लायक है कि चाहे जिस किसी वेवलेंथ का, जिस किसी कलर का, जिस किसी इंटेंसिटी का लाइट आप सप्लाई करेंगे, कोई न कोई पिगमेंट उसके पास होगा जो उस लाइट को हार्वेस्ट कर लेगा।
उसको एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को, और वहां पे एल्गी हमारी क्या कर लेगी, फोटोसिंथेसिस कर लेगी और वो ग्रो कर जाएगी। याद रखिएगा, इतने वैरायटी ऑफ हैबिटेट में ग्रो करने के लिए एल्गी को दो प्रॉपर्टी ने सक्सेसफुल बनाया है। एक होता है आप जानते हैं उसकी सेल वॉल की वैरायटी, और दूसरी होती है आप जानते हैं उसका पिगमेंट सिस्टम। तो इस तरह से अब आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि एल्गी में इतना जो डाइवर्स जो हैबिटेट होता है, इतने जगह जगह तरह तरह की कंडीशन में एल्गी ग्रो करती है, तो उसको इस लायक किसने बनाया है, तो उसको इस लायक किसने बनाया है, पिगमेंट सिस्टम का जो वैरायटी है, जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है, उसने इस लायक बनाया है। तो मेरी बात, आई होप कि मेरी बात आप ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो उस वेरिएशन की मैं बात करूं आपसे, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है कि रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, और रिएक्शन सेंटर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए और उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, या रिएक्शन सेंटर जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उसको एब्जॉर्ब करके और रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा देने के लिए, जान लीजिए रिएक्शन सेंटर आप जानते हैं स्पेसिफिक वेव को खाली एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपने कहा कि रिएक्शन सेंटर जो फर्स्ट है वो एब्जॉर्ब करेगा केवल 700 नैनोमीटर की वेव को, सेकेंड एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर की वेव को, तो बाकी वेव का कैसे यूज किया जाएगा भाई। तो उसके लिए क्या होता है, उसके हेल्पिंग हैंड्स हैं, उसके एंटेनी हैं, उसके क्या हैं, असरी पिगमेंट्स हैं, हेल्पिंग पिगमेंट। वो क्या करेंगे कि जो काम ये नहीं कर पाएंगे इनके असरी पिगमेंट्स यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। और याद रखिएगा रिएक्शन सेंटर तो हमेशा क्लोरोफिल ए होता है, और बाकी जितने सब के सब जो होते हैं, याद रखिए सब असरी पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैरोटीन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के आप जानते हैं जैंथोफिल्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप के फाइकोबिलिन्स होते हैं। तो ये बात शायद मैं समझा सका हूँ आपको कि इतने ढेर सारे पिगमेंट, ढेर सारे यहाँ पर असरी पिगमेंट्स एल्गी में क्यों पाए जाते हैं, या एल्गी इतने वैरायटी ऑफ हैबिटेट में कैसे ग्रो कर पाता है, ठीक है ना। ये बात हुई, ताकि मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अब पिगमेंट्स की अगर हम बात आपसे करेंगे, तो पिगमेंट का फंक्शन ही क्या है, देखिए पिगमेंट में अगर बात किया जाए तो पिगमेंट में दो बात होनी चाहिए। एक ऐसा पिगमेंट हो जो रिएक्शन सेंटर बनाएगा, वो बनाएगा रिएक्शन सेंटर, और दूसरे ऐसे पिगमेंट होंगे जो क्या करेंगे, वो रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्शन देंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर तक भेजेंगे, और वैरायटी ऑफ जो लाइट है उनको भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेंगे, तो उनको हम बोलेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स। और इसमें आप जानते हैं जो रिएक्शन सेंटर होता है वो हमेशा किससे बनता है, वो हमेशा बनता है क्लोरोफिल ए से। तो ये जो होता है हमेशा बनता है कौन, क्लोरोफिल ए बनाता है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर तो भाई सबके पास चाहिए, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जितने भी आपने एल्गी के ग्रुप पढ़े हैं, है ना, जितने भी आपने पढ़े हैं, चाहे आपकी क्लोरोफाइसी हो, साइनोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो, कियोफाइसी हो, बैसिलियोफाइसी हो, जितने भी आपने पढ़े हैं सभी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कभी आपने सोचा है कि क्लोरोफिल ए सब में क्यों होता है भाई, क्योंकि रिएक्शन सेंटर की जरूरत तो सभी को है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का, तो रिएक्शन सेंटर के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो खैर उसका डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, हम एल्गी से अपना काम चला रहे हैं, यहाँ पर एल्गी के बारे में बता रहे हैं, बाकी सारी बात हम कभी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको। तो रिएक्शन सेंटर की जरूरत तो सभी को है, इसीलिए याद रखिएगा जितने भी आपने क्लास पढ़े होंगे बुक खोल के देख लीजिएगा, सब जगह क्या है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। और ऐसे आपने पढ़ा होगा एक बीटा कैरोटीन, वो भी लगभग सब जगह ही होता है। तो जरा सोचिए तो सही कि क्लोरोफिल ए क्यों भाई हर जगह है, क्लोरोफिल ए इसलिए हर जगह है, रिएक्शन सेंटर सबको चाहिए, और इसलिए सबको जगह रिएक्शन सेंटर प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है ना। उसके बाद जितने बच गए सबके सब होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, जिसमें क्या होते हैं, अब इनके आप बांट सकते हैं तीन कैटेगरी। एक जो बचे हुए क्लोरोफिल है, ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पर जो रिमेनिंग क्लोरोफिल क्लोरोफिल्स, तो मैंने कहा क्लोरोफिल आपके छह प्रकार के, सात प्रकार के हो गए, कौन कौन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी वन, क्लोरोफिल सी टू, क्लोरोफिल डी, और क्लोरोफिल का हो गया ई, और क्लोरोफिल एफ, सात प्रकार के हो गए अब क्लोरोफिल।
तो चलो अगर मान लिया एफ को मैं छोड़ भी दूं, हालांकि वो भी स्टैब्लिश हो ही चुका है, तब भी तो छह प्रकार के हो गए। पुरानी बुक्स में चार या प्रकार पांच प्रकार दिखाएंगे, अब आप सात प्रकार का जानिए, मैंने गिना भी दिया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी वन, क्लोरोफिल सी टू, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल एफ, सात हो गए। तो एक प्रकार का तो आपने कहा क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनाएगा, तो जो बच गए आपके छह प्रकार के वो सब के सब यहाँ पर होंगे, है ना। तो अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मान लीजिए तो क्या लिख सकता हूं यहां पर, देखिए क्लोरोफिल बी सी वन सी टू डी ई और एफ, ये सब के सब हमारे हो जाएंगे एक्सेसरी पिगमेंट में रिमेनिंग क्लोरोफिल वाला पार्ट बना लेंगे। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा, एल्गी में हम क्लास वाइज देखेंगे, भाई ये तो सभी में हो गया क्लोरोफिल मालिक, उसमें कुछ पूछना नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा हमको क्लास वाइज देखना पड़ेगा कि इतने में से क्या ये सारे के सारे सभी क्लास में होते हैं। नहीं, सभी क्लास में नहीं होते। आपने अगर फ्रिज का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जो आप जानते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं, याद करिए, उनको जब क्लासिफिकेशन करना था तो हमें पिगमेंट सिस्टम को बहुत सेंटर में रखा था। तीन ही बात को तो बेसिस बनाया जाता है, एक कौन सा होता है फ्लैजलेशन, हम लोग देख चुके हैं, दूसरा होता है पिगमेंटेशन, और तीसरा होता है नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, यही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है एल्गी को आइडेंटिफाई, करेक्टराइज और क्लासिफाई करने का। तो अब इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें से जो सारे के सारे हैं, ये सब के सब हर क्लास के मेंबर में नहीं होते। अब इसको हम पढ़ेंगे कि भाई इसमें साइनोफाइसी में कौन कौन होता है, ये पढ़ना पड़ेगा, याद करना, सब दिखाएंगे आपको हम कि साइनोफाइसी में इसमें से कौन कौन है, क्लोरोफाइसी में कौन कौन है, ऐसे फियो में, रोडो में, बैसिलरियो में, जैंथो में, सब देखा जाएगा कौन कौन किसमें है, और ये हमको याद करना पड़ेगा। ये पॉइंट हालांकि याद करने वाला, लेकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन मिलता है, ये मिल जाएगा। दूसरे कौन से, ध्यान दीजिएगा, दूसरे यहाँ पर होते हैं कैरोटीनॉइड्स, दूसरे होते हैं, याद रखिए यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स। तो एसेसरी पिगमेंट के क्लास की आपसे हम बात कर रहे हैं, दूसरे हमारे हो गए कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स ध्यान दीजिएगा, कैरोटीनॉइड्स की दो कैटेगरी होती है केमिकल बेसिस पे, क्या होता है इनकी दो कैटेगरी होती है, एक को हम बोलते हैं कैरोटीन और दूसरे होते हैं जैंथोफिल, दूसरे होते हैं जैंथोफिल, जैंथोफिल होते हैं। इसमें जो कैरोटीन होते हैं, याद रखिएगा, ये प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी यहां पर खाली C और H होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा इनका फॉर्मूला मेनली होता है C40H56, ये होता है। ये प्योर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन का मतलब खाली ये किसके बने होते हैं, खाली C और H के बने होते हैं। अब मोस्ट ऑफ देम का फॉर्मूला होता है C40H56, ये होता है, ठीक ना, ये होते हैं। जैंथोफिल्स में क्या होता है कि जैंथोफिल्स में यहाँ पे ऑक्सीजन भी होते हैं, यानी इनके पास क्या है, इनके पास खाली C है और H है, C और H है, और इनके पास क्या है, याद रखिए इनके पास C भी है, H भी है और O भी है। इसमें अधिकांश का फॉर्मूला होता है C40H56, ये होता है, और इनका होता है C40H56 और O2, ये होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या होते हैं, प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं कैरोटीन्स, और जैंथोफिल जो होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन भी पाई जाती है। अब डिफरेंट टाइप के कैरोटीन, डिफरेंट टाइप के जैंथोफिल होते हैं, आगे चल के हम देखेंगे इनको देखेंगे। इसके अलावा एक और पिगमेंट, ऐसा एक बार ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें जो है तो हायर प्लांट में भी होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है कि इतने टाइप के क्लोरोफिल जो होते हैं हायर प्लांट में नहीं होते हैं, वहां तो मेनली क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल तो चलो होता ही है ना, ये तो मान सकते हैं ना कि चलो क्लोरोफिल हायर प्लांट में भी है। ऐसे कैरोटीनॉइड्स भी आप जानते हैं हायर प्लांट में होते हैं, लेकिन जो तीसरा मैं ग्रुप लिखने वाला हूं, जिसको हम कह रहे हैं फाइकोबिलिन्स, असल में वो फाइकोबिली प्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको, चलिए प्रोटीन को हम हटा करके फाइकोबिलिन्स भी कह दें। तो फाइकोबिलिन्स जो हैं, दे आर एक्सक्लूसिव पिगमेंट ऑफ एल्गी एंड दैट टू ऑफ क्लास साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी, याद रखिएगा, जो फाइकोबिलिन्स होते हैं, याद रखिएगा, वो सारे प्लांट ग्रुप में नहीं होते, खाली एल्गी में होते हैं,
और एल्गी में भी सारे क्लास में नहीं होते, खाली दो क्लास में होते हैं, एक साइनोफाइसी और एक रोडोफाइसी। ये तो बड़े ही स्पेशल हो गए ना, ये तो एक्सक्लूसिव टू ओनली फ्यू क्लासेस, ओनली टू क्लासेस आप एल्गी हो गए, है ना। तो इनको हम यहाँ कह रहे हैं फाइकोबिलिन्स। यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास हो गए फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स, एल डबल एल आई एन एस, फाइकोबिलिन्स होते हैं, ठीक है ना। अब आप इसका अनुमान लगाइए कि कितना ज्यादा वाइड रेंज ऑफ जो क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, जैंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स एल्गी में है, और आप कह रहे हैं इतना तो किसी प्लांट ग्रुप में नहीं है, हायर में तो नहीं है, ठीक है ना। और यही इतनी जो वैरायटी है पिगमेंट्स की, वही एल्गी को ईच एंड एवरी एनवायरनमेंट में, ईच एंड एवरी वेवलेंथ, ईच एंड एवरी कलर एंड ईच एंड एवरी लाइट इंटेंसिटी को यूटिलाइज करने में सक्षम बनाती है, कैपेबल बनाती है, ठीक है ना। तो इतने पिगमेंट के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पिगमेंट क्या करेंगे, दो मेन काम कर रहे हैं। एक है वो है जो रिएक्शन सेंटर बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ये असल में क्लोरोफिल ए होते हैं। दूसरे वे होते हैं जो इस रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्शन भी देते हैं और इसकी हेल्प भी करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्शन सेंटर ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ की वेव को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। मैंने बताया कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड वाला होता है वो 680 नैनोमीटर की वेव ही खाली ऑब्जर्व कर पाता है, जो रिएक्शन सेंटर फर्स्ट वाला है वो खाली 700 नैनोमीटर की वेव ऑब्जर्व करता है, वो सारे लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो उसको हेल्प करने के लिए इतना ढेर सारा पिगमेंट सिस्टम है, उसे हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो इसको प्रोटेक्शन भी देते हैं और इसकी हेल्प भी करते हैं, इसके लिए एंटेनी की तरह काम करते हैं, है ना। अब इसमें कहा दे, आपने कहा इसकी तीन कैटेगरी होती है, तीन कैटेगरी में पहली कौन सी हो गई, क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारे क्लोरोफिल, अब लिखा है रिमेनिंग क्लोरोफिल्स, जैसे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी वन, क्लोरोफिल सी टू, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल एफ, ये सब हमारे रिमेनिंग क्लोरोफिल बच गए। इसके बाद से आप जानते हैं एक और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है पिगमेंट्स का, इनको हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। इनकी भी दो कैटेगरी होती है, इसमें से वो जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है उसे हम कहते हैं कैरोटीन। इसका जनरल फार्मूला मोस्टली C40, C40, H56 होता है, ये प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं। और दूसरे जिसको कहते हैं जैंथोफिल्स, इसमें क्या होता है, इसमें सी और एच के साथ यहाँ ओ भी होता है। सबसे कॉमन फार्मूला C40H56O2 होता है। तो डिफरेंट टाइप के कैरोटीन्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के जैंथोफिल्स, तो तुमको देखना पड़ेगा। और सारे नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए है, उनको हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कैरोटीन की बात आपने किया, तो साइनोफाइसी में कौन कौन कैरोटीन होता है, मेन मेन है ना। क्लोरोफाइसी में कौन होता है, फियोफाइसिक कैरोटीन कौन है, जैंथो का कौन है, रोडो का कौन, सबको हमको याद करना पड़ेगा। मेन 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 कैरोटीन आप डिफरेंट क्लास याद करना पड़ेगा, मेन जैंथोफिल्स आप डिफरेंट क्लास हम लोग को पढ़ना और याद करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपने कहा कि इसके अलावा एक और वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है पिगमेंट होता है। अब इनकी लोकेशन देखा जाएगा कि कहां पर पाए जाते हैं, तो जहां पे इन लोगों का लोकेशन है, ये लोकेशन होते हैं, याद रखिएगा, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। फिगर हम दिखाएंगे आपको बाद में, थोड़ा सा कल भी आप सुन लीजिए अभी। ये सभी लोग क्या होते हैं, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, लेकिन जो फाइकोबिलिन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं, बल्कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर एक फाइकोबिलिसोम, वहां पे स्ट्रक्चर बनती है, उस फाइकोबिलिसोम का पार्ट होते हैं। मतलब बिल्कुल ये अलग है, इनका रेजिडेंस भी अलग है, इनका घर इन लोगों से हटके है। और इनकी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी में क्या कहा कि सारे के सारे क्लोरोफिल, सारे के सारे कैरोटीन, सारे के सारे जैंथोफिल, ये सब जो होते हैं ये मेनली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, है ना। ये सब के सब फैट में सॉल्युबल हो जाएंगे, एसीटोन में सॉल्युबल हो जाएंगे, एल्कोहल में सॉल्युबल हो जाएंगे, ईथर में सॉल्युबल होंगे, ये सब मैं लिखवाऊंगा, घबराई नहीं, थोड़ा समझिए लेक्चर को। लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ध्यान दीजिए, ये सब के सब कौन है, ये डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स, कैरोटीन, जैंथोफिल, सब के सब क्या हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये फैट में सॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अब जरा सोचिए कि अब रेंज क्या मिला हमको, रेंज ये मिला कि अब हम अपने सारे पिगमेंट को इकट्ठे, अभी एक और बात समझिए,
अभी आप कह दें कि जितना हम इस समय पढ़ रहे हैं वही कंप्लीट है, तो कंप्लीट कंप्लीट नहीं है भाई। अभी हम सारे पिगमेंट सिस्टम को अभी जानते ही नहीं है, अभी नई नई रिसर्च होगी और नई नई वैरायटी के पिगमेंट्स अभी मिलेंगे। आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा, देखिएगा आप डिफरेंट ईयर की बुक्स खरीदिए, उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर नए नए जुड़ते जाते हैं। लेटेस्ट में कुछ और है, अगले साल कुछ और आ जाएंगे, थोड़े दिन के बाद कुछ और मिल जाएंगे। यानी ये नई नई रिसर्च अभी होती रह रही है और नए नए पिगमेंट भी मिलेंगे, नए नए आप इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी मिलेंगे, मिलते रहते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जाम है बड़ा ट्रेडिशनल टाइप का है, इसलिए कोई भी सामान्य से बुक लेके पढ़ लेंगे तो जितना रहता उतना ही आपके एग्जाम में आता है। मतलब आपके एग्जाम में कोई न्यू रिसर्च एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन नहीं बनता, आप देखे होंगे। और मेरी कही बात को ऐसे मत मान लिया करिए, आप खुद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उस पेपर को पलटिए, वो आपको सब बता देगा। तो नई नई रिसर्च से आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जो यहाँ पर न्यू रिसर्चेज हैं वो सब के सब आपके TGT PhD एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बिल्कुल ट्रेडिशनल पैटर्न का आपका पेपर होता है और जो भी आपके पास बुक्स हैं उनमें जो लिखा है वो मोर देन सफिशियंट है, इसे परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप रिसर्च कर रहे होते आपके लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट होती कि नई नई बातें और क्या है उनको आपने जोड़े रिसर्च में, उससे आपका कोई मतलब भी है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पिगमेंट के लिए कोयले की बात कर रहा हूँ तो हमने क्या कहा, डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैरोटीनॉइड्स होते हैं, उनके दो वैरायटी होती है, हाइड्रोकार्बन वाली कैरोटीन और हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन वाली यहाँ पर होती है जैंथोफिल, और एक अलग से और पिगमेंट सिस्टम को कहते हैं फाइकोविलिन्स, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा सी फाइकोसाइनिन है ना, सी फाइकोएरिथ्रिन, ऐसे एल्लो फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, बी फाइकोसाइनिन, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब के सब इसमें इसी के पार्ट हैं, फाइकोविलिन्स के हैं, ठीक ना। तो इस तरह से इतना रेंज जो होता है पिगमेंट का होता है, और इन सारे पिगमेंट को हम क्लास वाइज देखना पड़ेगा कि साइनोफाइसी में कौन कौन से क्लोरोफिल्स हैं, कौन कौन से कैरोटीन्स हैं, कौन कौन से जैंथोफिल्स हैं और कौन कौन से फाइकोविलिन्स पाए जाते हैं साइनोफाइसी में। फाइकोविलिन खाली दो जगह होते हैं, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में। तो फिर रोडोफाइसी को इसके बाद तुरंत देख लिया जाएगा कि रोडोफाइसी में कौन कौन से क्लोरोफिल्स हैं, कौन कौन से कैरोटीन हैं, कौन कौन से जैंथोफिल हैं, कौन कौन से फाइकोविलिन्स हैं। तो खाली दो जगह हमको फाइकोविलिन मिलेगा, बाकी जगह फाइकोविलिन होते नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचेगा, बाकी क्लास में खाली कैरोटीन्स क्लोरोफिल्स बचेंगे, कैरोटीन्स बचेंगे और जैंथोफिल बचेंगे। तो इनको क्लास वाइज हम देखेंगे कि साइनो क्लोरोफाइसी में कौन क्लोरोफिल है, कौन सा उसमें कैरोटीन है, कौन वहां पर जैंथोफिल है। ऐसे जो रिमेनिंग हमको 5-6 क्लास पढ़ने हैं उनमें भी यही बात हमको देखना होता है, ठीक ना। तो आई थिंक मेरी बात आप फॉलो कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा मैं इनके लोकेशन की बात आपसे कर लूं, तब आगे की बात हम करेंगे। देखिए होता क्या है, ये समझ लीजिए, हमने आपके पास जो कॉपी है उसी कॉपी के पन्ने को ऐसे फोल्ड करके एक पाइप बनाइए, उसी को ऐसे मोड़ के ऐसे पाइप बना लीजिए। तो जो आप पाइप बना रहे हैं ना कॉपी के पन्ने को मोड़ करके, वही पाइप, ध्यान दीजिए, कॉपी के पन्ने को आप माने क्या है, वो मेम्ब्रेन है, उसी को ऐसे फोल्ड करके मोड़ के आपने पाइप गोला सा बना लिया फोल्ड, और वही जो पाइप आपका है वही कहलाता है थाइलेक्वायड। यही होता है ना, यही आपका हो गया थाइलेक्वायड हो गया। तो इस तरह से आप जानते हैं यहाँ पर थाइलेक्वायड्स होते हैं, इस तरह से थाइलेक्वायड होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन होती है, बीच वाला चैनल कहलाता है। अब थोड़ा सा मैं इसको और मोटा दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको ऐसे दिखाता हूँ, इस तरह से थोड़ा इसको और मोटा हम कर लेते हैं, ये इस तरह से, ये मान लीजिए इसकी मेम्ब्रेन हो गई, ये मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गया इस तरह से। तो जो मैं आपको इस समय व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं ना, हालांकि इतना मोटा नहीं होता, वो तो मैं दिखाने के लिए आपको मोटा दिखा रहा हूं यहां पर, ये इसकी थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन हो गई है ना, और ये आपका चैनल हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ये है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, और ये जो है वो चैनल है, जो ल्यूमेन है वो चैनल कहलाता है, इस तरह से। तो अब ध्यान दीजिए, यही जो मेम्ब्रेन्स है ना, इन्हीं मेम्ब्रेन में सारे के सारे पिगमेंट जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसी के अंदर क्या है आपके क्लोरोफिल्स हैं, इसी के अंदर क्लोरोफिल हैं, इन्हीं के अंदर क्या है कैरोटीन्स हैं, इन्हीं के अंदर क्या है जैंथोफिल्स हैं, सब यहाँ पे क्लोरोफिल कैरोटीन सब इसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट हैं यहीं पर आपके पाए जाते हैं,
ये पूरे ऐसे पाइप जैसा है यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा कि जो आपके यहाँ पे फाइकोबिलिन्स हैं, तो फाइकोबिलिन्स के लिए अलग से स्ट्रक्चर होती है। फाइकोबिलिन जो होते हैं वहां फाइकोबिलिसोम होता है। इसे मान लिया हम कहा कि ये स्ट्रक्चर मान लिया ऐसे इस तरह से, ये स्ट्रक्चर है ये यहाँ ये, और यहां पर फाइकोबिलिन्स होते हैं, यहां पर फाइकोबिलिन्स होते हैं, ठीक है ना। ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, इसे पूरा अगर ट्यूब बना देंगे तो आपकी हो जाएगी थाइलेक्वाइड, ये थाइलेक्वाइड होगी, है ना। इसको फेट भी कहते हैं साहब, नहीं इसको डिस्क भी कहते हैं आप जानते हैं। तो इसी थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में सारे पिगमेंट एम्बेडेड होते हैं जो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा जो फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है वो इसके अंदर चैनल के अंदर होती है। तो सब बात फिजियोलॉजी पढ़ा जाएगा, उससे कोई मतलब हमारे यहाँ पर नहीं है, हम मेनली यहाँ पे पिगमेंट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि ये जो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, सब पिगमेंट एम्बेडेड होते हैं, है ना। इसी में क्या पाया यहाँ पर, क्या है एम्बेडेड प्रोटीन, एम्बेडेड यहाँ पे एम्बेडेड पिगमेंट्स यहाँ पे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में नहीं पाए जाते, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बाहर, यहाँ पर फाइकोबिलिसोम होता है और इसी फाइकोबिलिसोम में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको इस वो स्ट्रक्चर दिखाने का प्रयास किया जिसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये बात होती है। फिर अब आगे क्या देखा जाएगा कि ये जो यहाँ पे याद करिए, आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, आपने उसके ग्रेना और स्ट्रोमा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ग्रेना कैसे बना आप जानते ही हैं, किस तरह से थाइलेक्वाइड एक के ऊपर एक अरेंज होकर बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं। लेकिन जिस तरह का ग्रेना, जिस तरह का उनका ऑर्गेनाइजेशन आपने अपने हायर प्लांट में पढ़ा है, उस लेवल पे एल्गी अभी नहीं पहुंची है ना। तो देखा जाएगा कि जो थाइलेक्वाइड्स हैं उनका एग्रीगेशन, उनका अरेंजमेंट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस एल्गी के क्लास में कैसा होता है, ध्यान दीजिए इस बात का, जो आपने पढ़ा है, कैसे आपने पढ़ा होगा ना, कैसे यहाँ पे एक मास थाइलेक्वाइड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ढेर सारा आपने स्टैक बना लिया, कह दिया ग्रेना बन गया। तो इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी एल्गी में नहीं पहुंच पाया है। हाँ, क्लोरोफाइसी में काफी हद तक मिलता जुलता होता है, काफी हद तक जो है क्लोरोफाइसी में होता है, लेकिन साइनोफाइसी में तो क्लोरोप्लास्ट आप जानते होते ही नहीं है, वहां तो ऐसे फ्री जो होती है मेम्ब्रेन वहां पर पाई जाती है, थाइलेक्वाइड वहां पाई जाती है। तो कम से कम जो 6-7 हमारे क्लासेस हैं उनमें देखा जाएगा कि अगर ये थाइलेक्वाइड है तो थाइलेक्वाइड का अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एल्गल क्लासेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ध्यान दीजिएगा आपका, है ना। मतलब साइनोफाइसी में कैसे होते हैं, क्लोरोफाइसी में कैसा होता है, फियो में कैसा है, रोडोम कैसे, मतलब जो 6-7-8 क्लास हम लोग को कम से कम कवर करना चाहिए उसमें इनका अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का बनता है, ठीक। तो इस तरह से थाइलेक्वाइड का अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कहां पर इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, कहां पर उसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट भी होता है क्रोमेटोफोर भी होता है, इन दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, देखना पड़ेगा किस क्लास में कैसा होता है, और इसके बाद से क्लास वाइज कि किस क्लास में कैसा क्लोरोफिल, किस क्लास में कैसा कैरोटीन, किस क्लास में कैसा जेंथोफिल, किस क्लास में कैसा फाइकोबिलिन, ये हमको क्लास वाइज पढ़ना और याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आज हमने थोड़ा सा बेसिक पे बात किया है, ताकि जैसे मैंने कहा था कि हम लोग कॉन्सेप्ट ज्यादा फोकस करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का मैंने फायदा बताया आपको कि कॉन्सेप्ट फोकस करने से चीजें जब हमारे ब्रेन बॉक्स में ढंग से फीड हो जाती हैं तो उसके बाद से क्या होता है, कोई चीज आती फट से याद हो जाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल लीजिए, किसी डॉक्टर को कभी आपने दवा का नाम रटते देखा है, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो कभी नहीं दवा का नाम रटता, तो कैसे दवाएं याद करता है वो, उसने अपने MBBS में, MD में, DM में जो भी किया हो उसने खूब पढ़ाई किया है, ढंग से कॉन्सेप्ट समझा है। उसके बाद क्या करते हैं आप जानते हैं, दवा कंपनी से MR आते हैं और MR लो आते हैं, फटाफट क्या करते हैं, फाइल पलटते जाते हैं, दवा का नाम बोलते आते, डॉक्टर उतनी देर में रट लेता है, ठीक है ना। तो कैसे रट लेता है, उसका कॉन्सेप्ट पहले से बहुत स्ट्रांग है, उसकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है मेडिकल फील्ड की, इसलिए अब वो क्या करता है, कोई बात सुनता है फटाफट उसको फीडिंग होती चली जाती है। यही होता है लोअर प्लांट में, या लोअर बॉटनी जो भी आप कह लीजिए, या लोअर एनिमल भी कह लीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके बाद हमारा
जब एक आउटलाइन हमारे दिमाग में फीड हो जाएगी तो छोटे छोटे जो फैक्ट्स हमको रटने हैं कि कौन सी पैरासिटिक एल्गी है, कौन सी एंडोफिटिक एल्गी है, कौन सी एम्बियंट है, वो फटाफट याद होता चला जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं उसी प्रयास में लगा हूँ और आई होप कि मेरा पैटर्न थोड़ा सा बाकी लोगों से हटके है आपको अब तक महसूस हो गया होगा, ठीक है ना। तो मैंने आज सारी बेसिक की बात कर लिया है। अगले क्लास में, आज आपकी क्लास रोकनी पड़ेगी, अगले क्लास में, दूसरे क्लास का टाइम इनफेक्ट हो गया है, तो अगले क्लास में क्या करेंगे, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। यही अब असल में अब हम जो पढ़ेंगे वो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि किस क्लास में कैसा क्लोरोफिल है, कैसा कैरोटीन है, कैसा जंथोफिल है, कैसा फाइकोबिलिन है, किस क्लास में थाइलेक्वाइड का कैसा अरेंजमेंट है, कहाँ पे थाइलेक्वाइड अलग अलग ऐसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, एग्रीगेशन होता ही नहीं है, कहाँ पे एग्रीगेशन होता है, कहाँ पे एग्रीगेशन का लेवल कम है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पेरिफेरल लेयर में है, कहाँ सेंट्रल पार्ट में है, कहाँ पूरे साइटोप्लाज्म में है, ये सारी बातें क्लास वाइज आपको हम अगले क्लास में बताने वाले हैं। और ये बहुत ही हम लोगों के लिए आप जानते हैं वही मेन होता है, वही हमारे एल्गी का थीम बनाता है, ठीक ना। तो बस आज की क्लास यहीं रोकेंगे। थोड़ा मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से क्लास देर से स्टार्ट हुई और थोड़ा जल्दी छोड़ भी रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से आपकी क्लासेस अपने जो भी आपका डिक्लेयर टाइम होगा उस टाइम पे स्टार्ट होगी और फुल लेंथ में चलेगी भी। आज दूसरी क्लास का टाइम हो गया है इसलिए हम क्लास आपको यहीं पर छोड़ रहे हैं। आई होप कि आप मेरे इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और आपको कुछ नया दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडिशनल मिल रहा होगा। तो बस इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।